नमस्कार, स्वास्तिका रिसर्च डेस्क से मैं संतोष मीना। आइए आज के मार्केट सेटअप को समझते हैं। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल यूएस मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेन के साथ बंद हुए। एशियन मार्केट भी पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी हालांकि 15 पॉइंट का डाउन टिक दिखा रहा है। कल के डेटा की बात करें तो कल कैश मार्केट में एफआईआई ने 248 करोड़ की बाइंग की, वहीं डीआईआई ने 262 करोड़ की बाइंग की, तो नेट नेट 510 करोड़ की इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी। कल के एफएनडो के डेटा की बात करें तो एफआईआई का डेटा मिक्स है। इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग साइड उन्होंने 3400 कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए हैं, वहीं शॉर्ट साइड 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इंडेक्स कॉल में उन्होंने 3600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, वहीं शॉर्ट साइड 4500 कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए हैं। इंडेक्स पुट में लॉन्ग साइड उन्होंने 9000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, वहीं शॉर्ट साइड करीबन 10000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। स्टॉक्स की बात करें तो आइसर मोटर, हीरो मोटर को, सन फार्मा, एनएमडीसी, ल्यूपिन, ऑरो फार्मा, बाटा इंडिया और यूबीएल आज फोकस में रहेंगे क्योंकि इनके आज Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टॉक्स और अदर रेट सेंसिटिव स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे क्योंकि आज आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है 11:45 पर। कैडिला हेल्थ केयर आज फोकस में रहेगा, अच्छा कर सकता है क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। टेक्निकल आउटलुक की बात करें तो निफ्टी अपने क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन 12,100 से 12,135 के बीच में ट्रेड कर रहा है। एक स्टेलर रैली देखी गई 200 दिन के मूविंग एवरेज से और अब हम एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन के पास है। अगर निफ्टी 12,100 से 12,135 के जोन में रेजिस्टेंस फेस करता है तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जहां 11,955 से 11,915 इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर निफ्टी 12,135 के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता है तो हमको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है 12,300 की तरफ। ट्रेडर्स को एडवाइस यही है कि मार्केट का बिहेवियर ऑब्जर्व करें 12,100 से 12,135 के जोन में और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लें। इंट्राडे की बात करें तो 12,050 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 31,100 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ कोई वीकनेस देखने को मिलती है तो एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है 30,600 की तरफ, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 31,100 के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता है तो हमको और रैली देखने को मिल सकती है 31,450 से 31,550 के जोन में। इंट्राडे की बात करें तो 30,900 एक फर्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। ये था आज का मार्केट सेटअप। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।